नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टे ऑर्डर के ऊपर में। दोस्तों स्टे ऑर्डर होता क्या है? एक्चुअल में स्टे ऑर्डर जो है वो कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में केस फाइल करता है तो साथ में एक स्टे ऑर्डर के लिए ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन फाइल करता है। ये ऑर्डर 39 1 एंड 2 की जो एप्लीकेशन है वो इस बात की तस्दीक करती है कि कोई भी व्यक्ति जो केस फाइल कर रहा है वो ये चाह रहा है कि जो केस मैंने फाइल किया है उस केस के दौरान अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है या उसके आसपास में कोई दरवाजे या कुछ और चीज़ बना रहा है या उसकी नाली को या उसकी चबूतरे को डिस्टर्ब कर रहा है या फिर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उसकी इलेक्ट्रिक सिटी काट रही है या फिर वाटर डिपार्टमेंट जो है उसके कनेक्शंस को काट रहे हैं या इस तरह के कोई भी इमीडिएट रोकने वाले जो कार्य हैं उनके लिए स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन लगती है। दोस्तों स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन के दौरान में सबसे पहले कोर्ट जो है अपोजिट पार्टी को नोटिस करती है, लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि मान लीजिए किसी इमरजेंसी के केस में अगर आपको स्टे इमीडिएट चाहिए है तो कोर्ट आपको इमीडिएट स्टे प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन एक आदेश जारी करती है। उस आदेश के तहत आपको जो स्टे ऑर्डर मिला है वो 24 आवर्स के भीतर आपको अपोजिट पार्टी को सर्विस करानी ज़रूरी होती है। यानी कि आपने अगर सुबह के टाइम में अगर आपने 10 बजे कोई ऑर्डर लिया है तो नेक्स्ट डेट में जो है आपको 10 बजे तक कोर्ट के सामने जो आपने स्पीड पोस्ट की है उसकी कॉपी के सहित आपको एफिडेविट फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में, जिसके तहत आपको प्रूफ लगाना पड़ता है कि आपने कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई कर दिया है। उस ऑर्डर को जब भेज देते हैं आप तो उसके भी बाद में अपोजिट पार्टी कोर्ट में पेश होती है, और अपोजिट पार्टी जब कोर्ट में पेश हो जाती है उसके बाद में उस 39(1)(2) की एप्लीकेशन के ऊपर मेरिट में आर्गुमेंट्स होते हैं, और आर्गुमेंट्स होने के बाद में अगर कोर्ट को जस्टिफाइड लगता है तो फिर जो स्टे दिया गया है उसको कैरी ऑन कर सकती है, यानी कि उसको आगे भी बढ़ा जा सकता है। अगर दोस्तों कोर्ट को ये लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं होगा, दूसरी की पार्टी के साथ में गलत होगा या फिर उसके साथ में जस्टिस नहीं हो पाएगा इस स्टे ऑर्डर देने के कारण, तो दोस्तों हो सकता है आपका जो इनिशियली दिया गया स्टे ऑर्डर है वो कैंसिल भी हो जाए। अब दोस्तों स्टे ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए आपके पास में क्या रेमेडी है? दोस्तों स्टे ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए सबसे पहले तो आपको, अगर आपने ये देखा कि वो 24 आवर्स के भीतर आपके पास में नहीं डिस्पैच किया है यानी आपके पास में वो ऑर्डर पोस्ट नहीं किया गया है, तो ये एक टेक्निकल लकुना है जिसके आधार पे आप स्टे ऑर्डर को कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात की गारंटी यानी इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कोर्ट में कि जो स्टे ऑर्डर मांगा जा रहा है वो गलत मांगा जा रहा है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे आपका ही राइट है और आप ही उसके लॉफुल ओनर हैं, या फिर जिस चीज़ के लिए स्टे ऑर्डर मांगा जा रहा है अगर वो दे दिया जाता है तो आपके साथ में इनजस्टिस होगी। इस तरह की अगर आप कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने रखते हैं तो स्टे ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, और अगर नहीं दिया गया है तो फिर वो ऑर्डर स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। स्टे ऑर्डर की जो प्रोसीडिंग्स है ऑर्डर 39 1 एंड 2 के तहत होती है। इसमें दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर स्टे ऑर्डर हो गया है और स्टे ऑर्डर होने के बाद में आप उसकी अवहेलना करते हैं, कंप्लाई नहीं करते, तो सेक्शन 2A ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत जो है आपके ऊपर में कंटेम्प्ट का केस लग सकता है, और उस कंटेम्प्ट के केस के अंतर्गत आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है और आपकी संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि अगर कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर पारित कर दिया है तो उसकी अवहेलना बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके ऊपर में ऑर्डर 39(2)(a) के तहत कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएगी और उसमें आपको 3 महीने की जेल और आपकी संपत्ति कुर्क भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था ऑर्डर 39 1 एंड 2 के ऊपर में डिस्कशन, जिसके तहत आप स्टे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं कोर्ट से। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।